थैलेसीमिया बच्चों के निरंतर रक्त संचरण के लिए 251 यूनिट रक्त किया एकत्रित। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी ने लगाया रक्तदान शिविर। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर संत कंवरराम धर्मशाला पड़ाव में आयोजित किया गया। शिविर में 251 रक्तदाताओं के द्वारा रक्त का दान किया गया। कैंप का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीबी सिंह के द्वारा किया गया। कैंप की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल जैन के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सामरिया और डॉक्टर दिनेश मौजूद रहे। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के महामंत्री ईश्वर पारवानी ने बताया कि कैंप में अजमेर, किशनगढ़, सरवाड़, परबस्तर, नसीराबाद के रक्तदाताओं के द्वारा रक्त का दान किया गया है। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की सरकारी नियमों की सख्ती से पालना की गई। सोसाइटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 226 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा। पारवानी के अनुसार अजमेर में क्षेत्रवार स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्तदान करवाया जाएगा ताकि ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में जो ब्लड डोनेशन कैंप आज संत कंवरराम धर्मशाला में किया जा रहा है, इसके लिए इसके संयोजक मिस्टर पारवानी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने थैलेसीमिया के मरीजों को बहुत सालों से जोड़ के रखा हुआ है और नियमित रूप से खासतौर से इस कोरोना काल में भी वो जिस तरह से ब्लड डोनेशन के कैंप आयोजित करवा रहे हैं और यहाँ आने वाले सारे लोग वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं। आप देख पाएंगे कि आज इस मौसम में भी कितने लोग ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है कि हर आदमी इन मरीजों की सेवा करना चाहता है। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज ये हमारा 67 कैंप लगाया जा रहा है संत कंवरराम धर्मशाला अजमेर में, क्योंकि पूर्व में भी हमने यही कहा था कि हर तहसीलवार ब्लड डोनेशन कैंप किया जाएगा, क्योंकि इस सोसाइटी के अंतर्गत 232 बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हैं और उनको निरंतर रक्त संचरण के लिए बेड की आवश्यकता पड़ती है जो जेएलएन ब्लड बैंक के द्वारा आपूर्ति की जाती है। इसी संदर्भ में हमने ये आयोजन किया है। इस कैंप का उद्देश्य यह है कि हमारा कम से कम 300 यूनिट डोनेशन कराया जावे ताकि समस्त बच्चों को किसी प्रकार की ब्लड चढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं हो और निरंतर रक्त संचरण के लिए ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। हमारे यहाँ पे अजमेर, भरू, डेगाना, नागौर, किशनगढ़, ब्यावर समस्त तहसीलों से भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस ब्लड डोनेशन कैंप की विशेषता ये है कि यहाँ पे नवयुवकों के द्वारा ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है, इवन जो नौजवान लड़कियां हैं उनके द्वारा ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है, ताकि इतना उत्साह देखते हुए हमें पूरा आशा है कि इसमें 300 यूनिट का लक्ष्य जो पार कर जाएंगे और इसी प्रकार से हमें जनता का, अजमेर का, संभाग का सहयोग मिलता रहेगा।